नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधु स्वागत करता हूं। गर्मी के मौसम के साथ ही परेशानियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे ही समस्याएं भी बढ़ती जाती हैं। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में चाहकर भी इंसान रुक नहीं सकता, किंतु यह गर्मी का मौसम कामकाजी लोगों के लिए बहुत सारी समस्याएं और परेशानियां लेकर आता है। आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताएंगे जो गर्मी यानी बढ़ते तापमान को कम तो नहीं कर सकते, लेकिन गर्मी व चिलचिलाती धूप से राहत दिलाने का काम जरूर करेंगे। लू से बचने के घरेलू उपाय। बहुत तेज गर्मी में लू लगने की समस्या आम बात है। लू लगने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, यहाँ तक कि इससे व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। इसलिए लू से बचने के लिए शरीर के अंगों, खासकर आँख, नाक और कानों की सुरक्षा बेहद जरूरी है। इन अंगों के द्वारा ही गर्म हवा शरीर में प्रवेश कर जाती है और आप लू का शिकार हो जाते हैं। इसलिए घर से निकलने से पहले शरीर को पूरी तरह से, खासकर चेहरे को ढककर निकलें। इसके अलावा लू से बचने के लिए आप कुछ उपाय भी अपना सकते हैं। साथ में रखें पानी की बोतल। बाहर निकलने से पहले हमेशा अपने हाथ में पानी की बोतल रखें और थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी पीते रहें। सुबह खाली पेट घर से बाहर निकलने की गलती कभी ना करें। भोजन में सलाद के रूप में कच्चे प्याज का सेवन जरूर करें। हल्के रंग के कपड़े पहनें। गर्मी से बचने के लिए हल्के रंग के कपड़े पहनें और हो सके तो ध्यान रखें कि कपड़े ज़्यादा कसे हुए ना हों। कपड़े जितने ढीले होंगे उतनी गर्मी कम लगेगी और पसीने के कारण होने वाले संक्रमण से भी बचाव होगा। रेशमी कपड़े पहनने से बचें, क्योंकि इन कपड़ों में अधिक गर्मी लगती है और सूती कपड़ों में ठंडक महसूस होती है। बाहर निकलते समय छाता लेकर निकलें या फिर किसी टोपी आदि से सिर को ढककर रखें। शरीर में पानी की कमी ना होने दें। गर्मी के मौसम में अक्सर शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इसलिए तरल पदार्थों का सेवन अधिक मात्रा में करें। इसलिए तरबूज, ककड़ी व खीरा खाएं, इनमें पानी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। साथ ही फलों का जूस भी पी सकते हैं। पानी में ग्लूकोज मिलाकर पीते रहें, इससे शरीर में ऊर्जा का लेवल सही बना रहता है। लू से बचने के लिए नींबू पानी, बेल का शरबत पीना भी फायदेमंद रहता है। बाजार में जूस पीते समय ध्यान रखें कि जूस व फल साफ सुथरे हों, नहीं तो पेट संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। बाहर से आने पर तुरंत पानी ना पिएं, जब आपके शरीर का तापमान सामान्य हो जाए तभी पानी पिएं। गर्मियों में कैसे रखें त्वचा का ध्यान। गर्मियों के मौसम में अक्सर लोगों को त्वचा संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें सनबर्न एक आम समस्या है। सनबर्न की समस्या लंबे समय तक धूप में रहने के कारण पैदा होती है। हालांकि सनबर्न से बचने के लिए केमिकल पीलिंग जैसे कई उपचार उपलब्ध हैं, लेकिन अधिक संवेदनशील त्वचा पर इसके प्रयोग से एलर्जी के कारण स्थिति ज़्यादा बिगड़ सकती है, गंभीर रूप ले सकती है सनबर्न की समस्या। त्वचा की यह समस्या कापरी टैन त्वचा की कोशिकाओं के नुकसान का संकेत है। आगे चलकर यह समस्या कैंसर का कारण भी बन सकती है। यह समस्या सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों के कारण पैदा होती है। सनबर्न के लक्षण एक ही दिन में देखने को नहीं मिलते। आमतौर पर सनबर्न के लक्षण सूरज के संपर्क में रहने के 24 घंटे के बाद दिखाई देते हैं, साथ ही 3 से 5 दिन के अंदर ठीक भी हो जाते हैं। सनबर्न से बचाव के लिए सेब साइडर सिरका हो सकता है फायदेमंद। इस समस्या में सेब साइडर सिरका फायदेमंद सिद्ध होता है। इसके लिए थोड़ा सिरका एक स्प्रे बोतल में डालकर उसमें थोड़ा सा पानी मिलाएं। इसका प्रयोग प्रभावित स्थानों पर करने से फायदा होता है। इसके अलावा आप यह सिरका नहाने के पानी में भी मिला सकते हैं। इसके लिए 1 बाल्टी पानी में 2 ढक्कन सिरका मिला लें। इसके बाद सनबर्न के निशान काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। सो दोस्तों, यह थी गर्मी से बचने के घरेलू उपायों से जुड़ी जानकारी। ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।